सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो सुरुचि लंच के लिए। सुरुचि जा रहे हैं जी? हाँ, अच्छा जी। आज हम जा रहे हैं सुरुचि लंच के लिए। मोस्ट फेवरेट प्लांट सुबह है, जितने हो सके इतने प्लांट। ये जोमेटो वाले भैया से खाना ही मांग ले यार। वो जोमेटो वाले भैया खाना देते यार, भूख लगी है। गाड़ी में दे दे, इतने प्यार से खिलाते हैं। मतलब घर पे भी कोई इतने प्यार से नहीं खिलाता होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू चुग आपकी होस्ट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और कुछ लोग तो आज अपने गुरु जी को मिलने उनके आश्रम उनके स्थान पर गए होंगे और उनकी ब्लेसिंग्स भी ली होंगी। और जो लोग नहीं जा पाए वो घर बैठे ही मन में अपने गुरु जी को याद करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनका आशीर्वाद लें। सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण चुग शालू के साथ, और आगे चल रहे हैं हम लोग आज सुरुचि लंच के लिए। सुरुचि जा रहे हैं जी? हाँ, अच्छा जी। आज हम जा रहे हैं सुरुचि लंच के लिए। मोस्ट फेवरेट, मेरा बड़ा फेवरेट जॉइंट है। यहाँ पे राजस्थानी और गुजराती थाली मिलती है। मतलब मेरा वेजिटेरियन में सबसे फेवरेट जॉइंट दिल्ली का यही है। वैसे तो वहाँ पंजाबी थाली भी अब उन्होंने शुरू कर दी है शायद से। तो चलते हैं, फिर रास्ते में आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स, करोल बाग की तरफ हम निकल चुके हैं। इतनी गर्मी है आज, दो दिन से बारिश हो रही थी। इतना अच्छा मुझे लगा भी, प्लेजेंट ही रहेगा मौसम। इतनी ज़्यादा गर्मी, कार से बाहर निकलो तो पता चलता है कितनी गर्मी है। देखो, आई थिंक शाम तक थोड़ी बहुत बारिश हो जाए या कुछ। अच्छा, मैं दोस्तों हमेशा अपने मैसेज एक अपनी वीडियो में हमेशा एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं इस बार ये बताना चाहती हूँ कि प्लांट्स उगाएं, जितने हो सके इतने प्लांट्स उगाएं। देखो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है जो पौधे उगाने बैठेगा। एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि साल में एक बार या दो बार अपने बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी वाले दिन, साल में दो बार, कभी भी, एनी डे, ज़रूरी नहीं है बर्थडे पर ही, कोई ना कोई पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि हमारी ग्रीनरी बढ़े। और जो इतनी ज़्यादा हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी पड़ती है तो इतनी ज़्यादा पड़ती है, बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सब कुछ धुल जाता है, सब बाढ़ आ जाती है, पूरे देश में बाढ़ आ जाती है। अगर हम सब लोग इस चीज़ का प्रण ले लें कि साल में एक बार या दो बार हम पौधा ज़रूर उगाएंगे, जो कि साल भर में पेड़ बन जाएगा, वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने भी 3-4 दिन पहले एक पौधा मैंने 10 दिन पहले उगाया था, आम का। उसकी छोटी सी जरा सी कोंपल निकली है, मैं आपको दिखाऊंगी जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा। और परसों भी मैंने एक आम का भी बड़ा वाला बीज उगाया है, उसको भी टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे निकलने में। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं उसे कहीं बड़े गार्डन में जा करके उसको उगा करके आऊँगी, ताकि उसमें साल बाद 2 साल बाद उसमें फल निकले और छायादार पेड़ बने। व्हाट आर यू डूइंग? और ये इंटरनेशनल कॉल है, इंटरनेशनल व्हाट्सएप आया, और कभी भी इन लोगों की जामतारा है, ये सभी की जामतारा समझती है। अरे हाँ, वो बिहार के ऊपर एक पिक्चर नहीं थी, वो स्कैम करते हैं फोन पे। हाँ, ये देखो मैसेज आ गया, व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा, अब आपको जवाब दोगे तो क्या आपका डाटा चोरी हो जाएगा? हाँ, कुछ ना कुछ कांड कर ही देंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमेशा। आप लोग भी ध्यान रखें, कभी भी ऐसे कोई इंटरनेशनल मैसेज आए, मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको फिर दिखाता हूँ एक बार, और ये वाला ये देखिए, ये आया मैसेज, व्हाट आर यू डूइंग। मैं इसको जवाब दे देता हूँ, जामतारा आ रहा हूँ, वहीं आके मिलता हूँ। इसकी डीपी में भी ऐसे किसी लड़की की फोटो भी लगी हुई है। ये देखो, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जी। जोमेटो वाले भैया से खाना ही मांग ले यार। वो जोमेटो वाले भैया खाना दे दे यार, भूख लगी है। नहीं, गाड़ी में दे दे।
जी का मंदिर आ गया, सब लोग दर्शन कर लो हनुमान जी मंदिर के, करोल बाग के में एंटर करते ही सबसे बड़ा मंदिर है हनुमान जी का। हम लोग पहुंच चुके हैं ये सुरुचि रेस्टोरेंट में, ये अजमल खा रोड के पास है, WEA में अजमल खा रोड है, उसके साथ में उसके साथ ही है बिल्कुल, अजमल खा से जॉइनिंग रोड है, चाइना मार्केट के साथ भी बोलते हैं इसको। ₹648 की थाली है वीकडेज में, और वीकेंड्स पे 671 की राजस्थानी थाली, और गुजराती थाली 633 की वीकडेज में, 667 की वीकेंड में, तो पंजाबी थाली 629 657। और उसके बाद इसके बड़ा पाव कॉम्बोज हैं, ये भी अनलिमिटेड है, ये पाव भाजी कॉम्बो है, क्या मंगाया एक राजस्थानी थाली एक गुजराती थाली, खाया जाएगा इतना? हाँ हाँ खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ का एक टिप बता दो इनको, यहाँ पे धीरे धीरे खाना, जल्दी जल्दी खाओगे तो पेट भर जाएगा, तसल्ली से बहुत धीरे धीरे खाना क्योंकि यहाँ बहुत प्यार से खिलाते हैं और खिलाते ही जाते हैं रुकते नहीं है, बस उनको पता है पेट भर गया फिर भी बहुत प्यार से खिलाते हैं, इसलिए धीरे धीरे। दिस इज नॉट अबाउट फूड, नॉट अबाउट ओनली फूड, दिस इज अबाउट द होल एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, इतने प्यार से खिलाते हैं यहाँ के वेटर्स, आप देखेंगे खुद बताऊँगी मैं आपको। और घी डालने में ये बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करते, पूरन पुली है मैम, ये पापड़ है, बाजरी की रोटी पे गुड़ है, साथ में घी लीजिए। तो घी डालने में ये कोई कमी नहीं करते, बस भैया बस 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 बस। पूरन पोली में क्या भैया, चने की दाल और गुड़ होता है, मूंग की दाल, अच्छा हरी वाली मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल जो होती है, मूंग की दाल की स्टफिंग है इसके अंदर और गुड़ की स्टफिंग। ये बैंगन की सब्जी है शायद, ये बैंगन की सब्जी है, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से बनी हुई है, और ये आलू टमाटर की सब्जी, ये गट्टे की सब्जी, बेसन की सब्जी, इसमें बेसन दही डाला हुआ है, और ये है राजस्थानी कढ़ी जो बेसन से बनती है दही के साथ, सारे मसाले बहुत ही माइल्ड और बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं कि टेस्ट बहुत तीखा है गले में लग रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड टेस्ट। और ये दाल, सादी बेसिक दाल जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, और ये मैंने पहली बार देखी है कच्चे आम की सब्जी, कच्चे आम की कुछ लेंगे आप अभी, देखेंगे बताऊंगा।
खट्टी मीठी सब्जी सबसे अच्छी मुझे यही लगी है, कच्चे आम की सब्जी। ये बीन्स की सब्जी, ऑयल बहुत कम है, बहुत कम ऑयल में बनाया और मसाले भी बहुत कम डाले हुए हैं, बहुत हल्के, बहुत अच्छी सब्जी, लाइट, वेरी लाइट। और ये गुजराती कढ़ी, गुजराती खाना बेसिकली थोड़ा सा मीठेपन में होता है, चीनी डालते हैं या गुड़ डालते हैं लोग। ये कढ़ी भी देखो डिफरेंट है, वाइट कलर की, दही की बनी हुई है, बेसन नहीं डला हुआ, थोड़ी सी मीठी भी है, खट्टी मीठी। ये दाल है इनकी, बहुत तुअर की दाल, तुअर की दाल, तुअर की दाल गुजराती मीठी होती है ना, इसमें भी मिठास है, बहुत अच्छी है, लाइट, वेरी लाइट। ये कौन सी दाल है, ये मटर, मटर 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 की सब्जी, सफ़ेद मटर की सब्जी। ये मटर और ये मटर सेम है? नहीं, वो बिल्कुल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। तो जैसे आज फरसान बोलते हैं ना, जैसे स्टार्टर सनेक को, तो गुजराती और राजस्थानी में उसको फरसान बोलते हैं। अच्छा। स्टार्टर सनेक ये रोज चेंज होता रहता है, आज रगड़ा पेटी से शुरू कम होगा। और ये है आलू टमाटर की सब्जी, ये सब्जी राजस्थानी में भी थी। हाँ, ये आलू रूम से कोई ना कोई रूप में आलू रहता है, सूखी आलू की भाजी, आलू बैंगन, दम आलू। और ये तोरी की सब्जी, तोरी ज़्यादा इसे आलू टमाटर ही बनाते हैं, आलू टमाटर रस्से वाला। मूंगफली भी डली हुई है, वही बेसिक सब्जियाँ हैं पर डिफरेंट स्टाइल से बनी हुई हैं, गुजराती स्टाइल से, बहुत ही टेस्टी। इतने प्यार से खिलाते हैं, मतलब घर पे भी कोई इतने प्यार से नहीं खिलाता होगा, फीमेल डिबोट होती है। हर एक चीज़ मंगवा लो, 10 चीज़ें लेकर के आते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। खाना तो खैर लाजवाब है ही यहाँ का। इसमें जो इन्होंने ये खिलाई थी रगड़ा पेटी, इसकी टिक्की भी आलू की नहीं है, मैंने अभी नोट करा, ये घी है, इसमें घी की टिक्की है, वेरी नाइस। बस बस ऐसे साथ दाल कड़ी नहीं कुछ सब। साथ में इन्होंने बॉइल्ड राइस दी है, क्योंकि थाली बिना चावल के कंप्लीट नहीं होती, चाहे वो राजस्थानी थाली हो चाहे वो गुजराती थाली हो। तो साथ में चावल, चावल के साथ सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी टेस्ट करते हैं। ये अब आ गया मीठा, ये गुलाब जामुन और ये फ्रूट कस्टर्ड, इसको भी टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। सिंपल बेसिक गुलाब जामुन, सादा सिंपल गुलाब जामुन, इसमें से मुझे इलायची की खुशबू आ रही है, इसको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही अच्छा, सिंपल बेसिक इलायची की इसमें खुशबू आ रही है, मीडियम मीठा, बहुत अच्छा। चीज़ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड माय ऑल टाइम फेवरेट, इन दोनों में अगर नंबर देना होगा तो मैं कस्टर्ड हूँ। तो इतनी गर्मी में मुझे गर्म गुलाब जामुन नहीं खाया जाएगा। इतना प्यार से इन्होंने खिलाया है, इतना ओवर ईटिंग मेरी हो गई है। अब इन्होंने डाइजेस्ट करने के लिए दिया है भुना हुआ धनिया, धनिया इसको खाने से खाना डाइजेस्ट हो जाता है। सौंफ और मिश्री तो मालूम ही आपको, ये गुजराती खाने में हमेशा, गुजराती खाने हमेशा डाइजेस्ट करने के लिए लोग देते हैं, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। और यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस, खाना इतना अच्छा, इतना हल्का, हालांकि खाना बहुत ज़्यादा था, घी बहुत भर भर के डाल रहे थे, और सब्जियाँ वगैरह सब बहुत बेसिक बनी हुई थी, घर की फुलके जैसी रोटी, जो इनका स्पेशल था वो दाल बाटी चूरमा, ये सब बहुत हैवी था, और बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आ गया सब। बहुत टाइम बाद आई हूँ यहाँ पर, तुम्हें मज़ा आ गया। ओके, बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।